हर किसी के पूजा करने का तरीका अलग होता है। इस वीडियो में हम पूरी पूजा किस तरह से रखनी होती है वह नहीं दिखा रहे हैं, बस नागद्वार पहाड़ी किस तरह से निकालते हैं उसका वर्णन कर रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें। सो हे गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि नागद्वार की पहाड़ी जो है वो किस तरह से निकाली जाती है। तो आप लोग देख सकते हो, सबसे पहले जो है हमने गणपति की स्थापना कर ली है। तो मतलब शुरुआत जो होती है वो गणपति से होती है, उसके बाद में हम लोग निकालते हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश, ठीक है। तो आप लोग देख सकते हो, और हाँ, जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो। ब्रह्मा विष्णु महेश निकालने के बाद ना मतलब जोगिनी निकाली जाती है। जोगिनी मतलब एक तरह की जो भूलन देव जो कहते हैं, भूल भुलैया जो कहते हैं, तो वो मतलब निकालना होता है, तो वो भी निकाली जाती है। आप लोग देख सकते हो किस तरह से निकाल रहे हैं। तो वो जो होती है जोगिनी, वो चार निकालते हैं, दो ऊपर दो नीचे। ये मूर्खा की दुआ है ना, चल। उसके बाद में ना मतलब जहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है मूर्खा, तो ये मूर्खा के जो है वो चार भगवान है जो उसके बाद में निकाले जाते हैं। उसके बाद में ना बीच में दो नाग निकाले जाते हैं। वैसे तो नौ नाग निकालना होता है, और बहुत सारे लोग ना सीधे सीधे नौ नाग निकाल के पूजा कर लेते हैं, लेकिन पूरी पहाड़ी बहुत कम लोग जो है वो मतलब अपने पूजा में मतलब स्थापित करते हैं। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पे पूरी पहाड़ी जो है वो दिखा रहे हम लोग। तो आप लोग देख सकते हो अभी जो है वहाँ पे दो नाग मतलब स्थापित हो चुके हैं। उसके बाद में ना बीच में मतलब पहाड़ी निकाली जाती है, तो यहाँ पे 21 पहाड़ मतलब निकाले जाते हैं, और बीच में जो है फिर से पहाड़ी के अंदर जो गणपति होता है उसकी स्थापना की जाती है। तो आप लोग देख सकते हो राउंड में पूरे 21 पहाड़ियाँ निकालना मतलब शुरू है, और 21 पहाड़ियों के बाद में जो है बीच में जो है हम लोग जो पहाड़ी के बीच का जो गणपति है उसको हम लोग वहाँ पे विराजमान करेंगे। तो आप लोग देख सकते हो बीच में जो है मतलब गणपति की स्थापना, मतलब गणपति हम लोग बीच में जो पहाड़ निकाला है उसमें हम लोग गणपति की स्थापना करेंगे, और उसके आजू बाजू में फिर से दो नाग निकलेंगे, यानी हमारे ऊपर दो और बीच में दो, ऐसे टोटल चार नाग हो गए हैं। और जो बाकी के जो पांच नाग है, क्योंकि टोटल नौ नाग निकालना होता है, तो वो हम लोग फिर अभी नीचे निकालेंगे। तो आप लोग देख सकते हो, और जो भी मतलब हमको तो कुछ भी नहीं पता था, तो जो अंकल हमारे साथ में थे उनको मैंने पूछ के वहाँ पे बैठ के उनके पास से इतनी इन्फॉर्मेशन ली, और उन्होंने पूरा मतलब एग्जैक्ट समझा के बताया कि किस तरह से पूजा होती है, किस तरह से निकाला जाता है। तो उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ अंकल को, कि जिन्होंने मुझे बताया। तो आप उनका आवाज़ भी सुन सकते हो, मतलब मैं उनको पूछता था कि ये क्या है ये क्या है, तो उन्होंने बताया देखो बीच में जो है अभी हमने गणपति स्थापन किया, मतलब पैरी का जो गणपति कहते हैं, मतलब पहाड़ी में का गणपति, तो उसके अभी हम लोगों ने स्थापना की, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। उसके बाद में आप लोग देख सकते हो नीचे में जो है हमने फिर से जोगिनी निकाली, क्योंकि हमको चार निकालना होता है, तो ऊपर दो निकाली थी, अब ए साइड में एक निकलेंगी और पहाड़ी के उस साइड में दूसरी निकलेंगी, ठीक है। तो आप लोग सुन सकते हो, मतलब मैं उनसे मराठी में पूछता था कि ये क्या है ये क्या है, तो उन्होंने मुझे बताया देखो आप जब चित्रशाला माता के लिए जाते हो ना, तो आपको सीढ़ियाँ चढ़नी होती है, तो इस साइड वाली जो सीढ़ियाँ है वो चित्रशाला माता की सीढ़ियाँ है, और जो ये जो पांच मूठ रखी है, मतलब जो नाग हम लोग नौ नाग निकालते हैं, तो उनकी मूठ छोड़ना पड़ता है, मतलब ऐसे कहते हैं कि मूठ छोड़ना कहते हैं उसे, तो उसके लिए हमको नौ नाग के नौ मूठ छोड़ना होता है। तो हम इस साइड में पाँच निकालेंगे और उस साइड में चार निकालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में जो है ऊपर में जो है हम लोग निशानगढ़ और बिरजूगढ़, और जो बीच में जो दो पहाड़ निकाले हैं उसका मतलब है एक चिंतामन और एक रामगिरी, ठीक है। तो इस तरह से ये पूजा जो है इस तरह से स्थापित होती है, मैं आगे भी आपको दिखा देता हूँ, और आखिरी में जो है ना वो मतलब किस तरह से दिखते हैं वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। इस साइड में चित्रशाला माता की सीढ़ियाँ है और उस साइड में गुप्त गंगा की। और हाँ, अगर आपको कंप्लीट पूजा का वीडियो चाहिए, मतलब पार्ट भी कैसे रखते हैं, किस तरह से रखते हैं, पूरी पूजा किस तरह से करते हैं, क्या क्या सामग्री लगती है, अगर वो भी आप लोगों को वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट करो, तो मैं फिर अगर आप लोग कमेंट करोगे तो फिर मैं वीडियो बनाऊँगा,
वरना मैं फिर वीडियो नहीं बनाऊंगा, ठीक है। तो आपके कमेंट पे अब डिपेंड है कि आप अगर कमेंट करते हो तो फुल वीडियो आ जाएगी। दोनों रामगढ़ी यानी चिंतामणि स्टिकर लगाया है, ये दोनों बिरजूगढ़ निशानगढ़। तो आप लोग देख सकते हो, मतलब जो दांडेकर अंकल जो है उन्होंने मतलब इतना समझा के बताया, इतना डिटेल में बताया कि कौन सी चीज़ क्या है और किस तरह से करनी चाहिए। तो उनको मैं बहुत बहुत शुक्रिया और मराठी में धन्यवाद कहना चाहूँगा कि इतने अच्छे से हमको मतलब समझा के बताया, उसके लिए उनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप लोग देख सकते हो नीचे में 5 नाग निकल चुके हैं, नीचे 5, बीच में 2 और ऊपर 2, इस तरह से 9 नाग टोटल निकल चुके हैं। और आप लोग देख सकते हो मतलब निकालने के बाद भी ना पूजा पूरी तरह से चेक की जाती है कि कुछ छूटा तो नहीं है या कुछ रहा तो नहीं है, क्योंकि ये जो पूजा होती है मतलब बहुत ही खतरनाक होती है। अगर कुछ चूक भूल भी होती है तो फिर आपको उसका परिणाम बहुत मतलब गलत भुगतना पड़ता है, तो बहुत ही मतलब रिस्की पूजा है। और हाँ, जब मतलब लास्ट में जो है चुकीचा मुठी, मराठी में चुकीचा मुठी मतलब कहा जाता है, तो ये 2 मुठ रखी जाती है, मतलब 2 पहाड़ के समान रखा जाता है कि हे भगवान, हमारे हाथ से अगर कोई चुकबुल हो गई है पहाड़ी में, मतलब निकालते टाइम या पूजे में भी कोई चुकबुल हो गई है, तो हमको तू माफ़ कर दे। तो इसलिए यहाँ पे 2 जो है 2 मुठ अलग से रखी जाती है। तो आप लोग देख सकते हो मतलब भैया 2 मुठ अलग से रख रहे हैं। तो इस तरह की ओवरऑल पूजा है, और इसकी जो मैं लास्ट में एक फ़ोटो डाल देता हूँ मतलब कहाँ पे क्या क्या रखा है, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। और हाँ, अगर आपको पूरा वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करो तो मैं पूरा वीडियो बना दूंगा। तो आप लोग देख सकते हो वीडियो में किस तरह से पूजा ये स्थापित हुई है। और जिन्होंने भी चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से लाइक और सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हमारा एक जो वीडियो चौरागढ़ वाला बचा है वो अभी कल या परसों आ जाएगा, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी। तो आप लोग देख सकते हो लास्ट में पूरी जो पूजा है वो इस तरह से दिखती है। अगर आपको पूरी पूजा का वीडियो चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हो। सो मैं मिलता हूँ अभी किसी नए वीडियो में। सो टाटा, टेक केयर एंड गुड बाय।